आप देख पा रहे होंगे अब मतदान कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होगी। सभी मतदान पदाधिकारी अपने जगह पे अब आ चुके हैं और जो वोटर है वो बहुत उत्साहित है वोट देने के लिए, क्योंकि ये पहली बार मतदान करेंगे, पहली बार वोट देंगे। बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट अपने अपने छाप को लेकर के छाप उल्टाइए, हाँ सभी कैंडिडेट अपने छाप को लेकर के खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। और अब वोटिंग स्टार्ट होने वाला है और यहाँ भी कुछ कैंडिडेट हैं जो भूखे प्यासे वोट देने के लिए बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें वीडियो में। चलिए अब मतदान स्टार्ट होने को है। ठीक है, काफी देर से इंतजार था और रिजल्ट जो है आ चुका है, तो आप सुनना चाहेंगे रिजल्ट सबका? बहुत अच्छा, बहुत उत्साहित है रिजल्ट सुनने के लिए। तो प्रधानमंत्री से जो खड़े हुए हैं मनखुश और आर्या, तो मनखुश कुमार को मिला है 98 वोट और आर्या सिंह 45, तो इसे विजेता हुए मनखुश कुमार। अब दूसरे का रिजल्ट बताते हैं। मंत्री बन गई है आर्या सिंह, समझ गए, उसको भी पद मिला उप प्रधानमंत्री का, अगला है उप प्रधानमंत्री का। आगे चलते हैं, शिक्षा मंत्री जो है मनखुश कुमार और उप प्रधानमंत्री आर्या सिंह, आर्या प्रधानमंत्री है, आर्या को भी पद मिला। आगे शिक्षा मंत्री का मैं बताता हूँ, शिक्षा मंत्री में अमरजीत कुमार 103 वोट मिला है और नाव्या सिंह को 43 वोट, इसमें अमरजीत कुमार शिक्षा मंत्री, अमरजीत कुमार और उप शिक्षा मंत्री नाव्या सिंह उप शिक्षा मंत्री, नाव्या के लिए भी क्लपिंग, उप शिक्षा मंत्री हुई। आगे है जल एवं कृषि मंत्री, जल और कृषि मंत्री से है अंजलि गौरव, में अंजलि को मिला 96 वोट और गौरव को मिला है 49 वोट, जीता है इसमें जीत घोषित हुई है अंजलि कुमारी का मानचित्र था। और हाँ, और गौरव के लिए भी क्लपिंग करे, उसको 49 वोट मिला, वो उप हुआ उप जल एवं कृषि मंत्री। आगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, इसमें शक्ति ज्योति प्रिया में मैं बताता हूँ, शक्ति को मिला 56 वोट, ज्योति को मिला 48 वोट और प्रिया कुमारी को मिला 43 वोट, इसे विजय हुआ है शक्ति कुमार 56 वोट मिला से ज्यादा। और उप विजेता बनी है ज्योति कुमारी, उप विजेता ज्योति कुमारी मोर छाप उप विजेता, इसमें मिला उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, ठीक है हाँ। आगे है पुस्तकालय उद्यालय एवं विज्ञान मंत्री के बारे में बताते हैं, मनीष को मिला 71 वोट, सोनाक्षी को 35 वोट और रंजीत कुमार खटिया छाप को 39 वोट, इसे विजय हुए हैं। विजय सुनिए ना, विजय कौन हुए इसे, इसमें मनीष कुमार इसे विजय हुए, मनीष कुमार विज्ञान मंत्री बन गए और मनीष के बाद बने रंजीत कुमार खटिया छाप, सोनाक्षी कुमारी नहीं जीत पाई, ठीक है, इसमें मनीष और रंजीत पुस्तकालय और विज्ञान मंत्री में। आगे खेल मंत्री का बात करते हैं, खेल मंत्री में है शिवम कुमार, खेल मंत्री में शिवम और नंदन में शिवम कुमार की जीत हुई है, 107 वोट मिला, नंदन कुमार का 40 वोट से ही जो है 40 वोट पर ही उसको रहना पड़ा, विजेता हो गए शिवम बिहारी। आगे उप खेल मंत्री हो गए नंदन कुमार मोटरसाइकिल छा। आगे है सांस्कृतिक मंत्री, हाँ सांस्कृतिक मंत्री का बात करते हैं, रुचि गुलशन में रुचि जीत गए, रुचि को 83 वोट मिला और गुलशन कुमार को 63 वोट आया, उप सांस्कृतिक मंत्री गुलशन बना और विजेता हुए जीत हुआ रुचि कुमारी का जिसको 83 वोट मिला, ठीक है बस यही तक रहा। फिर से मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री बना मनखुश कुमार, शिक्षा मंत्री अमरजीत कुमार, जल कृषि मंत्री अंजलि कुमारी, स्वास्थ्य रक्षा मंत्री बना है इसमें शक्ति कुमार, पुस्तकालय और विज्ञान मंत्री बना है मनीष कुमार, खेल मंत्री बना है शिवम कुमार, सांस्कृतिक मंत्री बनी है रुचि कुमारी, ठीक है। उसके बाद और जो बच्चे हैं वो उप बने हैं, उप शिक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री मंत्री, उप स्वास्थ्य मंत्री, सबके लिए जोरदार तालियां स्वागत। और यही तब इलेक्शन समाप्त होती है, कैसा लगा आप सबको सिलेक्शन में भाग लेकर के, अच्छा लगा ना? चलो बहुत अच्छा लगा, ये टॉपिक था, एक एक्टिविटी हुआ बैगलेस क्लास में,